इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दोस्तों हमारे जीवन में कई तरह की समस्या होती हैं। हम अपने शरीर में आने वाली समस्याओं को, कमियों की बीमारियों को समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा किया करते हैं। कभी कभी हम जान भी जाते हैं तब भी अनदेखा किया करते हैं। उन्हीं समस्याओं में दोस्तों एक समस्या इन दिनों सबसे ज़्यादा आती है, वो है नींद ना आने की समस्या। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि नींद क्यों नहीं आती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके कुछ समाधान दोस्तों हम बताएंगे आप लोगों को, जिससे उसको ध्यान में रख के आप इस बीमारी, इस समस्या से बच सकते हैं। क्योंकि नींद ना आना, ये आप मान लीजिए आपके शरीर में होने वाली जो भी बड़ी समस्याएं हैं उनको जन्म देने की समस्या केवल नींद ना आना, शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। इसलिए आज ही सचेत हो जाइए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें समस्या और समाधान दोनों के विषय में हम बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आप देख रहे हैं ए टू जेड हेल्थ ज्ञान। अगर चैनल में हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। आपका अपना दोस्त प्रवीण वाजपेयी। दोस्तों नींद की समस्या तीन प्रकार की होती है। पहला, जो लोग बिस्तर पे जाते हैं और घंटों करवटे बदलते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती है दोस्तों। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो बिस्तर पे जाते हैं, नींद तो उनको जल्दी आ जाती है लेकिन रात में सोते सोते अचानक जग जाते हैं और न जाने क्या क्या सोचा करते हैं और उनको फिर घंटों बाद नींद आती है दोस्तों। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनको नींद भी समय से आ जाती है और रात भर सोते रहते हैं लेकिन सुबह उनकी अचानक अर्ली मॉर्निंग नींद टूट जाती है और फिर वो सो नहीं पाते हैं दोस्तों। ये तीन तरह के लोग होते हैं, उनको नींद की समस्या ये होती है दोस्तों। आपको इन्हीं तीन प्रकारों पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये समस्या क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। हमारे शरीर का एक दिनचर्या होता है, एक सर्किल बना होता है, स्लीपिंग सर्किल होती है दोस्तों। आप और हम अगर रात में 10 बजे अपने बिस्तर पे जाते हैं और सुबह हम 6 बजे उठते हैं, अगर ये रूटीन पे बंधा हुआ है तो आपको कंटिन्यू ये समस्या नहीं रहेगी और आप आमतौर पे अपनी नींद को भरपूर तरह से लेंगे। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनकी दिनचर्या में परिवर्तन होता रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्यूटी उनकी होती है शिफ्ट वाइज, कभी दिन या रात। दोस्तों जब रात में हम ड्यूटी करेंगे तो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। डॉक्टरों की हॉस्पिटलों में दोस्तों ऐसी शिफ्टिंग लगा करती है। जो नाइट ड्यूटियां चलती हैं, नाइट ड्यूटी में दोस्तों आपकी नींद की रोटेशन बिगड़ेगा। नंबर दो, दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं दोस्तों, दिन भर आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं, उनको भी नींद की समस्या आती है। नंबर तीन, दोस्तों ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं जो रात में जगते हैं, जिसके कारण उन महिलाओं को भी जगना पड़ता है और उनकी स्लीपिंग सर्किल जो है वो टूटती है, जिसके कारण नींद ना आने की समस्या पैदा होती है दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव बहुत लेते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, बिस्तर पे जाते हैं अगले दिन के बारे में बहुत सोचा करते हैं दोस्तों, जिसके कारण उनको नींद नहीं आती है। वो ये सोचते हैं कल हम ये करेंगे, कल की प्लानिंग किया करते हैं, उनके लिए भी नींद का जो रोटेशन होता है, जो स्लीपिंग सर्किल होती है वो ख़राब होती है, टूटती है दोस्तों। और दोस्तों बुज़ुर्गों में समस्या ज़्यादा देखी जाती है, उनकी भी ये नींद वाली समस्या होती है। अब दोस्तों नींद की समस्या पैदा होने पर आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये समस्या दोस्तों आपको महीने दो महीने में या हफ्ते में कभी एक आध बार हो जाती है तो ये इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नींद ना आने की समस्या जो हमने ऊपर बताया है दोस्तों, अगर ऐसी समस्याएं आपको हो रही हैं, लगातार 3 महीने हो रही हैं, बिस्तर पे जाने के बाद 30 मिनट तक आपको नींद नहीं आती है और ये हफ्ते में 3 बार ऐसा हो रहा है,
तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, इसके विषय में जानकारी देना चाहिए, और अपने में जो कुछ सुधार कर सकते हैं आपकी दिनचर्या जो है उसको तुरंत आप सुधार कर लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको अनेकों बीमारियां ऐसी हो जाएंगी जिसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। जैसे हार्ट अटैक की समस्या बढ़ सकती है दोस्तों, बीपी की समस्या बढ़ सकती है, आपकी डायबिटीज लेवल बढ़ सकता है, और मोटापा दोस्तों बढ़ सकता है। जिन लोगों की नींद की दिक्कतें आ जाती हैं उनका शरीर फैटी हो जाता है, आपके लीवर में दिक्कत आ सकती है, इस तरह की कई तरह की समस्याएं दोस्तों आपके शरीर में व्याप्त हो सकती हैं नींद की समस्या से। तो इसलिए अगर आपको नींद की समस्या लगातार 3 महीने से बनी हुई है तो इसे अनदेखा मत करें दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं एडजस्ट करने लगते हैं, चलो ठीक है, और वो दिन भर फिर सुस्ती महसूस करते हैं, ऑफिस में अपने काम पे चाय का सहारा, कॉफ़ी का सहारा लेते हैं उस सुस्ती को दूर भगाने के लिए। कभी कभी ऑफिस में बैठे अपने बॉस से बचकर दोस्तों हम एकाध झपकी भी मार लेते हैं अगर ऐसी समस्याएँ आती और ताजगी महसूस करने लगते हैं, लेकिन उस समय हम अगर अपनी तकलीफ़ को कम कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आपको बड़ी समस्याएँ पैदा करेगी दोस्तों। इसलिए आपको कुछ समाधान बता रहे हैं, उन समाधान पे गौर कर लीजिए दोस्तों। अगर वो समाधान आप कर लेंगे तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप बिस्तर पे जब जाएंगे तो कल के रोटेशन के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत ही ज़रूरी है तो काम का शेड्यूल बनाइए, आप एक डायरी में एक पेज में आप अपने कल के काम को लिख लीजिए, क्योंकि जब आप रिटेन में कर लेते हैं तो आपके माइंड में ये हो जाता है कि हमने अपने काम को रिटेन में कर लिया है तो हम कल देख के कर लेंगे। तो इसलिए अगर आपको रूटीन करना है, शेड्यूल बनाना है, तो आप रिटेन में करिए और दिमाग से स्ट्रेस को कम करिए दोस्तों। नंबर दो दोस्तों, आपको सोने और उठने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। रात में 10 बजे बिस्तर पर जाते हैं तो रात में 10 ही बजे जाना है हमको, सुबह 6 बजे उठना है तो 6 ही बजे उठना है दोस्तों। जब आप उस सर्किल को बना के रखेंगे तो आपको नींद की समस्या नहीं होगी। नंबर 3, हमें फिजिकल वर्क अवश्य करना चाहिए। जब शरीर से फिजिकल वर्क होता है तो हमारा शरीर थकावट महसूस करता है और हमें नींद अच्छी आती है दोस्तों। दोस्तों तनाव से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मानसिक पीड़ा बहुत होती है, वो उन लोगों को दोस्तों अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करना चाहिए। मॉर्निंग में उठ के हमें व्यायाम और योगा अवश्य करना चाहिए, इससे हमारे माइंड को फ्रेशनेस महसूस होती है, हमारा शरीर हमेशा ताजगी महसूस करता है दोस्तों। हमें स्मोकिंग, शराब और चाय कॉफ़ी का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। स्मोकिंग और शराब तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए दोस्तों, और अगर आप चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं तो उसको कम कर दीजिए। रात में दोस्तों सोने का ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ पे शोरगुल ना होता हो आपके आसपास, बिल्कुल लाइट बिल्कुल कम रखिए दोस्तों अगर आपको नींद की समस्या है। कुछ समय तक दोस्तों इन चीज़ों को आप कर लेंगे और जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए दोस्तों इन 5-6 चीज़ों को आप करेंगे तो अगर जो आपकी नींद की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, और आप सकुशल पहले की तरीके आराम महसूस करेंगे और जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक विदा लेते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट करके बस बताइए दोस्तों। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।